हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम क्यू एन ए का जो सीरीज है हम उसको कर रहे हैं। ओके, तो ये क्यू एन ए का जो है ये पार्ट टू है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि एसईओ और एएसओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन में क्या अंतर है। ओके, ये जो क्वेश्चन था ये मेरे वन ऑफ द क्लाइंट का था, जो मेरे बेस्ट क्लाइंट्स में आते हैं, तो उनका ये क्वेश्चन था कि दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों पार्ट में चीज़ों में रैंक रहना होता है ना, तो दोनों में अंतर क्या हो गया। तो मैंने सोचा कि एक बार इसके बारे में डिस्कस किया जाए, शायद और लोगों को भी क्वेरीज हो इस चीज़ के बारे में, तो मैंने इस चीज़ को उसमें क्यू एन ए सीरीज में डाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला डिफरेंस है यहाँ पर वो चीज़ लिखी हुई है। ओके, पहले हम देखते हैं एसईओ का, उसके बाद हम देखेंगे एएसओ का। ओके, तो एसईओ में पहले आते हैं, ठीक है, जो इनके रैंकिंग फैक्टर्स हैं, मतलब कि हमारे जो ऐप है या वेब है उसको मतलब रैंक कराने का जो जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, पहला आता है पेज की स्पीड, आपकी जो वेबसाइट है वो कितनी ज़्यादा लोड हो रही है ना, इसके बारे में हम करेंगे। मतलब कि जैसे कि अगर आपकी कोई साइट है फॉर एग्जाम्पल, आप वो अगर 1 या 2 सेकंड में ऑन हो रही है, बहुत अच्छा है ना। अगर आपका 1-2 मिनट में ऑन हो रहा है तो यूज़र कब तक वहाँ रुकेगा, तो वो डिपेंड करता है आपका जो पेज स्पीड है वो कितनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। सेकंड मैटर करता है पेज का टाइटल, आपका जो टाइटल है वो कैसा है ना, क्या टॉपिक पे है, क्या टाइप उसके हाउ व्हाट ये सब चीज़ों में क्या लिख रहे हो आप, वो मैटर करता है। उसके बाद है H1, H2, H3 टैग्स, है ना, ये टैग्स होते हैं, हेडिंग सर्च हेडर हो गए या हेडलाइन टाइप, है ना। तो है H1 मतलब ज़्यादा बड़ा होगा, 2 छोटा होगा, 3 छोटा होगा, वो अलग अलग फील्ड्स में अलग यूज़ करते हैं। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है आपका, आपके कीवर्ड की डेंसिटी क्या है, आपके कीवर्ड कितना डेप्थ में रैंक कर सकते हैं वो, आपने बैकलिंक्स की ली है कि नहीं ली है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ कंटेंट, आप कंटेंट से उसकी कितनी अच्छी क्वालिटी से आप लोग पढ़ के कितना अच्छा उसको वो करते समझते हैं जानते हैं वो सोचिए। उसके बाद आपके डोमेन अथॉरिटी क्या है ना, ये रैंक ये डोमेन अथॉरिटी लेना टफ होता है, लेकिन एक बार मिल गया बहुत सही है ना। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद पेज का कंटेंट कैसा है, उसके बाद आपका यूआरएल का स्ट्रक्चर क्या है, यूआरएल का स्ट्रक्चर ऐसा है नहीं होना चाहिए कि आपने xyz.com है /abcd/date, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर भी में होना चाहिए, है ना। उसके बाद आते हैं इमेज का अल्ट टेक्स्ट, जो आप इमेज डाल रहे हो वो उसमें टेक्स्ट है कि नहीं, है ना, उसका अल्ट्रेशन है कि नहीं। उसके बाद यूनिक विजिटर, आपके साइट में कितने यूनिक विजिटर्स आते हैं, है ना। यूनिक विजिटर मतलब वो होता है जो कि सर्च करके आपके पास जाए, ना कि आपके शेयर किए हुए कंटेंट को क्लिक करके जाए, है ना। उसके बाद आता है बाउंस रेट, बाउंस रेट मतलब आपका जो यूज़र है वो कब तक आपके साइट पे रुका हुआ है और कब तक उसको पढ़ रहा है और उसके बाद वो कन्वर्ट हो रहा है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक कन्वर्जन रेट है ना, वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, वो चीज़ें वहाँ मैटर करती हैं। जितना कम बाउंस रेट उतना ज़्यादा साइट रैंक करेगी, सिंपल। सेम आते हैं हम एएसओ में, जिसको हम बोलते हैं ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहला पार्ट आता है ऐप का टाइटल, आपका ऐप जो है वो क्या टाइटल पे, जैसे मैं टाइटल फॉर एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूँ एग्जाम, वो मेरा टाइटल हो गया, है ना। तो मैं एग्जाम बस नहीं सकता, एग्जाम एक कीवर्ड ले सकते हो, लेकिन आप एग्जाम लिखोगे तो कैसा, मतलब क्या है एग्जाम, क्या है? किसी पर्टिकुलर चीज का एग्जाम होगा ना, गवर्नमेंट का हो गया, प्राइवेट का हो गया, स्कूल्स का हो गया, है ना, आपके डिफेंस सेक्टर का हो गया इनके, या आपके IIT जैसा एग्जाम हो गया, वो सब चीज़ किस चीज़ का एग्जाम वो मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऐप का सबटाइटल और उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। देखिए, ऐप का सबटाइटल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो होता है वो अराउंड 100 वर्ड्स का होता है ना। तो आपको मेक श्योर कि आपका जो टाइप जो आप लिख रहे हो डिस्क्रिप्शन वो कट टू फोकस मतलब बोल्ड बुलेट पॉइंट्स में हो, जो आप एग्जैक्ट वर्ड के आप पिच करना चाहते हो वो, और 100 वर्ड्स के अंदर ही वो चीज़ हो जाए। उसके बाद आते हैं ऐप का डिस्क्रिप्शन, जो आप हम जनरली ऐप डाउनलोड करने के बाद क्लिक करने के बाद देखते हो अबाउट सेक्शन, तो वो है ऐप का डिस्क्रिप्शन, उसमें अराउंड आपको 4000 वर्ड्स मिलते हैं लिखने के लिए। ओके, उसमें आप अपने सब कीवर्ड डाल सकते हो प्रॉपर, उसमें आपको मतलब
उसमें जितना भी कीवर्ड्स आपको डालना है उतना डाल के आप वहां उसको रैंक कर सकते हो। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कीवर्ड्स की यूज्ड। अब उसमें कितने कीवर्ड है, अब ऐसा भी मत करिए कि पूरा कीवर्ड ही कीवर्ड दुकान पर की है ना, मतलब पूरे कीवर्ड नहीं होना चाहिए, एक सटीक कीवर्ड्स होते हैं। अब एग्जाम का लिख ऐप है तो एग्जाम से रिलेटेड ही कीवर्ड होना चाहिए, कोई फूड से रिलेटेड कीवर्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं ऐप का आइकॉन, स्क्रीनशॉट और वीडियो। देखिए अगर कोई विचार आता है, अगर आपने एग्जाम लिखा, मैंने क्लिक किया, तो मैं पहले आइकॉन देख के अट्रैक्ट होऊंगा, है ना। अगर आपका आइकॉन अच्छा है डेफिनेटली मैं उसको डाउनलोड करने का ट्राई करूंगा। उसके बाद स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट दो टाइप के होते हैं। एक होता है कि आप फोन है, फोन के स्क्रीनशॉट लेकर आपने अपलोड कर दिया, पहली चीज। सेकंड चीज ये होता, यहाँ होती है कि आप उसको एडोबी फोटोशॉप या कोई भी ऐसे टूल्स में आप बनाकर उसको प्रॉपर वहां पर कर सकते हो। तो बना के अपलोड करना थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखता है एज कम्पेयर टू स्क्रीनशॉट लेना। उसके बाद वीडियोज, अगर आपके ऐप में वीडियो है ना, वीडियो मतलब किसी और का नहीं, उस ऐप से रिलेटेड ही, और उस वीडियो में ही आप अपने ऐप के बारे में बता दिए हो तो बहुत अच्छा है ना। बोलते हैं जैसे लोग पढ़ के देखने में ज्यादा अंतर आता है, मतलब जो हम चीजें पढ़े हैं उससे ज्यादा डिपेंड, मतलब इजिली लोगों को समझ में आता है वीडियो के फॉर्म में देखना, है ना। तो वीडियो ऐसा होना चाहिए। उसके आते हैं ऐप का लोकलाइजेशन, आपका ऐप कौन से लोकेशन में, कहाँ, इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, श्रीलंका है, यूएस है, जो भी है ना, वो लोकलाइज किस कंट्री में। नंबर ऑफ ऐप डाउनलोड, आपके ऐप कितने लोग डाउनलोड कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। ऐसा तो नहीं है कि 10 लोग डाउनलोड किए एक साल में, है ना, तो 10 की जगह 10,000 या 10 लाख होने चाहिए डाउनलोड एक साल में, वो मैटर करता है। उसके बाद कन्वर्जन रेट है ना, मतलब बंदे आ रहे हैं डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको ऐप को रखे भी हैं कि बस डाउनलोड के यूज किया आउट कर दिए, वो चीजें। उसके रिटेंशन रेट, आप कैसा रिटेन कर रहे हो उनको, है ना, अपडेट दे रहे हो कि दे रहे हो, वो सब चीजें मैटर करती हैं। उसके बाद रेटिंग्स एंड रिव्यूज, आपके ऐप में अगर रेटिंग और रिव्यू प्रॉपर है तो आपका ऐप रैंक करेगा, अगर इनके दोनों में से कोई एक भी चीज मिस हुई तो आपका ऐप यहाँ रैंक करने में तकलीफ होगी। उसके बाद क्रैश रेट, क्रैश रेट इन द सेंस कि जो आपका जो ऐप है वो हर एक फोन में, हर एक वर्जन के, एंड्रॉयड के या आईओएस के वर्जन में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो वहाँ मैटर करता है। अगर किसी वर्जन में या किसी के फोन के साइज में दिक्कत आ रहा है तो ऑब्वियस क्रैश रेट में ही काउंट होगा। ओके, तो ये पहला डिफरेंस था। सेकंड आते हैं जो हमारे यूजर बिहेवियर एंड सर्च इंटेंट है ना, मतलब कि यूजर है वो किस बिहेवियर के हिसाब से सर्च करता है पर्टिकुलर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। मतलब अगर वेबसाइट में तो अलग माइंड ऑफ सेट से करेगा सर्च, ऐप में तो अलग माइंड ऑफ सेट से करेगा सर्च, है ना। तो पहले हम देख लेते हैं वेब का। ओके, वेब में क्या होगा कि जनरली जो यूजर होता है वो हाउ, व्हाट, वेयर, बेस्ट, टॉप, ऐसे वर्ड्स के यूज करता है स्टार्टिंग में, है ना। जैसे मैं लिखता हूं कि हाउ टू क्रैक यूपीएससी एग्जाम, है ना, एग्जाम हुआ कीवर्ड हो गया, हाउ टू क्रैक यूपीएससी जो है, ये चीजें एक टाइटल में काउंट हो गई, है ना, वेब में बात कर रहा हूँ। तो उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स आएंगे टॉप में सेकंड में उतना पढ़ूंगा, सफिशियंट है, समझ में आ जाएगा। और वही चीज आप ऐप में नहीं कर सकते हो, जैसे अगर मैं ऐप की बात करूँ तो वो चीज नहीं करते आप ऐप में, हाउ टू नहीं सकते हो आप, वहाँ पर सिर्फ पर्टिकुलर एग्जाम लिखोगे, कीवर्ड लिखोगे, जैसे कीवर्ड अपना एग्जाम हो गया, है ना। अब वहां मैटर करता है कि आप जो एग्जाम कीवर्ड यूज तो कर लियो लेकिन वो एग्जाम किस चीज का है ना। जैसे पहले भी उसमें बताया था कि गवर्नमेंट का है, प्राइवेट का है, कॉलेज का है, एडमिशन का है ना, किस चीज का है, वो वहां मैटर करता है, इसे एग्जाम इतने से नहीं होता वो चीजों के। तो अलग अलग माइंड सेट, अलग अलग सर्च इंजन। तो जो थर्ड है वो है रेटिंग है यूजर की रिव्यूज। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट है, जो हम पहले टॉपिक में बता रखा था कि रेटिंग और रिव्यूज ऐप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर रोल करता है। जैसा आपका ऐप है अगर प्रॉपर रेटिंग मिल रही है और उसको प्रॉपर मिल रहा है रिव्यू एकदम हाई एंड की, बहुत परफेक्ट ऐप है, आई लव इट, ऑसम, है ना, उसके बारे में लोग कर रहे हैं, तो उतना अच्छा रैंक कराने को वो करेगा, है ना। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या क्या आता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला डिफरेंस मांगे चलो कि मैंने रेटिंग अच्छी थी बट मैं कमेंट गंदा कर दिया, है ना, या फिर कमेंट अच्छा किया रेटिंग गंदी कर दी, तो इस चीज में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ड्यूअल केस हो जाता है, एक तरह से रैंक करूं कि ना करूं, है ना। ऑब्वियस तो ऐसा नहीं कि एकदम कमेंट अच्छा तो टॉप में रैंक है या रेटिंग अच्छी, तो ऐसा नहीं, ड्यूअल रेट क्या होता है, होगा भी नहीं होगा। ओके, तो
तो मेक श्योर कि आपका जो रेटिंग रिव्यूज हैं बहुत अच्छा होना चाहिए। जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारा सक्सेस रेट है ना। सक्सेस रेट इन द सेंस कि आपका वेब को रैंक कराने में कितना समय लगता है, ऐप को रैंक कराने में कितना समय लगता है, वो सक्सेस रेट की बात कर रहा हूँ। पहले हम वेब की देख लेते हैं। तो वेब में आपको एटलीस्ट 5 to 6 month लगते हैं। इथिकल वे की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ब्लैक ग्रे इन सब जो कि रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। इथिकल में मैं करता हूँ 5 से 6 महीने लगते ही लगते हैं वेब में। अगर आप ऐप में हो तो आपको 5 से 6 हफ्ते लगेंगे किसमें, ऐप स्टोर एप्पल का, और 4 to 6 weeks लगेंगे किसमें, गूगल के प्ले स्टोर में रिजल्ट लेने के लिए। ये 4 to 6 और 3 to 5 weeks में क्यों, ऐसा क्यों? वेबसाइट का कंफर्ट है मानते हैं 5 से 6 महीने लगता है, लेकिन इसमें इतना डिफरेंस क्यों? इसका सिंपल सा ये है कि देखिए, अगर गूगल प्ले स्टोर के ऐप में अगर 1 लाख ऐप डाउनलोड बन रहे हैं, 1 लाख छोड़ दीजिए, 100 रखते हैं, अगर 100 ऐप बन रहे किसी पर्टिकुलर ऐप के बारे में, और प्ले स्टोर में, गूगल के प्ले स्टोर में, तो वही एप्पल के प्ले स्टोर में अराउंड 10 से 15 या हार्डली 20 ऐप्स बनेंगे, उससे ऊपर नहीं बनता है ना। क्यों? इसमें क्या होता है, गूगल प्ले आपसे कितना चार्ज करता है, 15 इंडियन करेंसी में 2500, मतलब 2500 रुपये चार्ज करता है लाइफ टाइम। पर ये ऐसा नहीं करता आईओएस, आईओएस सबसे ईयरली चार्ज करता है अराउंड 7000 के आसपास है ना, अराउंड आपको डिपेंड ऑन कि डॉलर्स और रुपीज से क्या कन्वर्जन, उसके हिसाब से चार्ज करता है। पर आपको वहाँ हर साल देना है, लेकिन प्लेस गूगल के प्लेसमेंट से नहीं, एक बार दिए लाइफ टाइम के लिए फ्री हो गया। इसलिए यहाँ 4 to 5 weeks और 3 to 5 में डिफरेंस है। ओके, अगर आपको एएसओ के बारे में, मतलब ऐप सर्च ऑप्टिमाइजेशन में पूरा पढ़ना है कि काम कैसे करता है, इसमें हम कैसे करा सकते हैं और इसमें हम कैसे जॉब पा सकते हैं, और ऑलरेडी अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग मॉडल जॉब है तो आप उसको कैसे इन्हेंस करते हैं अपने आगे ग्रोथ में, है ना। तो मैंने पूरा एक एएसओ का पूरा एक सीरीज, मतलब एक सीरीज इन द सेंस कि पूरा एक वीडियो कोर्स बना हुआ है, हार्डली सेट पेड कोर्स भी है ना, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये जो चीजें हैं मैं यूट्यूब में तो बता रहा हूँ है ना, लेकिन मैं एक डेप्थ नॉलेज में उतना नहीं सकता। ओके, तो अगर आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए है ना, तो आप मेरा जो कोर्स है आप तो बाय कर सकते हो, और उसके बाद में पूरा देते हो, आपको पूरा समझ में आएगा कि एएसओ रैंक कैसे करता है और कैसे था। ये दो लोगों के लिए सबसे बेस्ट फायदेमंद है ना, हेल्पफुल करेगा जो मेरे कोर्स है। पहले उनके लिए जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में जो एएसओ का पार्ट है, लेकिन अभी लोग उतना उसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट जो है भी डिजिटल मार्केटिंग में वेब वेबसाइट वेबसाइट आता है, लेकिन जैसे जैसे ऐप्स की डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे एएसओ की डिमांड भी बढ़ेगी इन फ्यूचरिस्टिक, तो आपको एएसओ भी आना चाहिए। पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट आता है जो एंड्रॉयड ऐप या आईओएस ऐप डेवलप करते हैं, जो अपने डेवलपर्स हैं उनके लिए। क्यों? कि आपको डेवलपमेंट तो आता है ना, आपने बनाया छोड़ दिया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई मेरी ग्रोथ और अच्छी हो या मैं अपने नॉलेज को और इम्प्रूव करूं, तो आई थिंक सो कि आपको ये चीज़ लेनी चाहिए है ना। तो आपके लिए वो चीज़ें बहुत बेटर करती हैं, क्योंकि आप ऑब्वियस बात है आप ऐप को बस बनाओगे है ना, तो आप माइंड भी ऐसा रहे कि ओके इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, उसको प्रॉपर होते हैं, या फिर आपकी टीम मीटिंग होती है उसमें इस बातें कर सकते हो, तो आपके वो हेल्पफुल करेगा है ना। तो ये बेसिकली ये हार्डली मतलब ये दो लोगों के लिए सबसे हेल्पफुल करेगा जो मेरा पॉइंट है। अगर किसी को सीखना है वो चीज़ अलग है। ये मेरा पूरा कोर्स है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, आप वहां जाकर आप बाय कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि आपको मेरा ये जो सेकंड कोर्स है एएसओ और एसईओ का आपको अच्छा लगा होगा। ओके, अगर आपको कोई कमेंट है या कोई भी क्वेरीज है तो आप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक के बटन दबा सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, और आप चाहो तो मेरे को फॉलो कर सकते हो, ये मैंने पूरा डाल दिया है यहाँ पर, आप मेरे को कहीं पर जाकर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। ओके, थैंक यू।